ये राज नहीं मासूम भाई, ये हमराज है। हमराज टेक्सटाइल एंड टेलर्स। SAK कन्वेंशन हॉल, शादी जैसे भी हो, वलीमा हो तो SAK कन्वेंशन हॉल में हो। मोहम्मद यासीन होम अप्लायंसेस होलसेल एंड रिटेल शॉप। नाज़रीन आदाब एवं टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। आज रायचूर के प्रेस क्लब में रायचूर जिला SP निखिल ने साइबर क्राइम के मुतालिक नामा निगारों को जानकारी दी। इन्होंने प्रेस क्लब में मुनक़दा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि आए दिन साइबर क्राइम में इजाफा होता जा रहा है, लोग लालच में आकर साइबर क्राइम में फंसते जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि महकमे पुलिस की जानिब से अवाम में बेदारी लाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम कॉलेजों और स्कूलों में भी आने वाले दिनों में मुनक़द किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि लोगों में जो लालच होता है उस लालच को भाँप कर कुछ लोग उन्हें ठग लेते हैं। इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ़ रियासतों में एक जाल, एक नेटवर्क है जो OLS के ज़रिए आवाम को ठगता है या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए आवाम को ठगता है और उनके पास जाली मैसेजेस वगैरह भेजकर उनसे पैसे ऐटे जाते हैं। इन्होंने कहा कि आवाम को ये लालच दी जाती है कि 50,000 की गाड़ी उन्हें 5,000 में फ़रोख की जाएगी। इस सिलसिले में उन्हें पैसे अकाउंट में डालने को कहा जाता है, बाद में ना गाड़ी मिलती है ना पैसे वापस मिलते हैं। इसी तरह दीगर तरीक़ों से भी आवाम को ठगा जा रहा है। इन्होंने बताया कि कभी पासवर्ड पूछा जाता है, कभी और कुछ पूछा जाता है जिसके ज़रिए पेटीएम से या फिर दूसरे ज़राए से पैसे हड़प लिए जाते हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि आवाम को लालच में आने की ज़रूरत नहीं और किसी को अपना पासवर्ड या फिर पर्सनल जानकारी देने की ज़रूरत नहीं, ना बैंक इस सिलसिले में कुछ पूछता है, ना कोई और अथॉरिटी इस सिलसिले में कुछ पूछती है। इस मौके पर प्रेस गिल्ड के सदर चंद्रबसवर्णा के अलावा दीगर नामा निगारान भी मौजूद थे। आलोचने इटकोंडु इब्रु कई जोड़सी केस जन इडी समाज के वो संदेश वाट डेवलपमेंट्स आर देर इन साइबर क्राइम अदन्न जन ताऊ कलियोदल्लदे जनरिगू मुट्टिसो ओंदु भावने इदेयल्ल अदु ननगे तुंबा खुशी तंदिदे। ನಾನು ಎರಡು ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಕರ್ತರ ಗಿಲ್ಡಿಂದನೇ ಅಲ್ಲೇ ಅವರೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಒಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆದು ನಾವು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬುನಾದಿಯೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೇಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು.